राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जहां इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ सराय में थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हसनपुर के रहने वाले दिनेश प्रजापति को बेरहमी से मारने वाले राजेश यादव, अखिलेश यादव, अमित यादव उर्फ विधायक, उन्होंने बोले अगर तुम थाने में गए तुमको जान से मार दूंगा। दिनेश प्रजापति ने अपने नजदीकी कोतवाली थाना सरायमीर पर रात में लिखित रूप से तहरीर दे दी है, जिस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे दिनेश प्रजापति ने बोले कि हमको डर बना है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी आपत आती है इसके पूरे जिम्मेदार राजेश यादव, अखिलेश यादव, अमित यादव विधायक होंगे। आइए देखें विशाल मौर्य की खास रिपोर्ट। दिनेश प्रजापति ग्राम हसनपुर सरायमीर का रहने वाला हूँ। मैं रात से 9 बजे के बाद अपने घर जा रहा था और पूना पोखर मोड़ पे मैं नीरज कवि और त्रिपाठी मेडिकल स्टोर के सामने खड़े होकर हम लोग बात कर रहे थे। इतने में जो है राजेश पूना पोखर के जो दबंग और मरवड़ किस्म के व्यक्ति हैं गाली पकड़ देने लगे आकर। और मैं पूछा हूँ राजेश भाई क्या बात हुई, क्या बात हुई, सुबह हम बात करेंगे। वो बोले कि नहीं मैं अभी बात करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इसी तरह कहकर उसके बाद अपने अखिलेश को बुलाए, अपने भतीजे जो है अमित उर्फ विधायक को बुलाए और मैं बड़े के घर पे बैठा ही था कि आके लोग मुझे घेर के मारने लगे और मुझे इतना मार दिया कि मेरा यह सर फूल गया है, पूरा चेहरे पे मेरे दाग आ गया, मेरे सीने में मार दिए हैं, पूरा यहाँ पे मेरा जो है खून निकाल दिए, पूरा हाथ मेरा कट गया और पूरा मेरा आँख मेरे नाक में से खून गिर रहा है पूरा। रात को मैं मेरी रुमाल ख़राब हो गई, मुझे विधिवत मार दिया, 3 लोग मुझे पूरा घेरा बना के मुझको बहुत मारे। मैं तब से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, रात भर सो नहीं पाया मैं, और मैं चाहता हूं कि मुझे प्रशासन से न्याय मिले। मैं रात को तहरीर दिया हूं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि मुझे इस पर न्याय मिले। मैं जब घर जाने लगा तो मुझको फिर दौड़ा के वो बोला कि अगर देखता हूं कौन थाना भोसड़ी वाला आता है, और गाली दे के बोला वो आदमी, कहता देखता हूं कौन सा थाना आता है तुमको जान से मरवा दूंगा। मैं मुझे जान से मारने की धमकी है, मुझे डर बना हुआ है, मेरे माँ, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब लोग घबराए हुए हैं कि रात बिरात ऐसे आना जाना है। हम लोग सरायमीर में रहते हैं, स्लाइडिंग का काम करते हैं, इसी तरह आना जाना रहता है और वो लोग इतने दबंग और मनबड़ किस्म के व्यक्ति हैं कि हर बार इसी तरह से करते चले आ रहे हैं, उनका मन बढ़ गया है और अकारण मुझको मारे आकर। कोई कारण होता तब मैं समझ पाता, सतर्क रहता, मेरे समझ में नहीं आया और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मैं बहुत आहत हूँ, मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत मुझे तकलीफ अंदर। पीपी न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।